जिस रिंकू सिंह ने लगाए थे 5 गेंद पर 5 छक्के उसने मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐसी तूफानी पारी खेली कि सामने खड़े रितेश नाना भी चौंक गए। 34 गेंद पर 58 रन की ऐसी ताबड़तोड़ पारी रिंकू सिंह ने अपनी टीम को 87 रन से जीत दिला दी। विरोधी सन रह गए गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की है रिंकू। रिंकू ने अपने कैरियर में जड़ दिए 90 छक्के। गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले लड़का आज पूरे भारत के आंखों का तारा बन गया। जिसके बल्लेबाजी में दिखता है जुनून, जिसकी बल्लेबाजी में टीम को जिताने का हुनर, जो अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलता है, माँ बाप का सम्मान करता है, रिंकू के इस सादगी का पूरा भारत दीवाना। रिंकू सिंह चौके और छक्के जड़ने के लिए माने जाते हैं। आईपीएल 2023 में लगातार 5 गेंद पर लगाए गए 5 छक्के आज भी फैंस को याद है। बीसीसीआई की ओर से आयोजित टी20 टूर्नामेंट मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हुए रिंकू सिंह ने फिर तूफानी पारी खेली है। उन्होंने 171 के स्ट्राइक रन रेट से रन कूटे हैं और इस कारण टीम नागालैंड के खिलाफ 87 रन से बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही है। देहरादून में खेले गए मैच में उत्तर प्रदेश ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 187 रन का अच्छा स्कोर खड़ा किया। जवाब में नागालैंड की टीम 7 विकेट पर 100 रन ही बना सकी। रिंकू को नीतीश राणा का भी गेंद और बल्ले से बखूबी साथ मिला। मैच में नागालैंड ने टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान कर्ण शर्मा 4 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद नीतीश राणा और अभिषेक गोस्वामी ने टीम को 70 के पार पहुंचाया। अभिषेक ने 25 गेंद पर 36 रन तो राणा ने 28 गेंद पर 32 रन बनाए। समीर रिजवी ने भी 15 गेंद पर 26 रन का योगदान दिया। 15वें ओवर में टीम का स्कोर 120 रन था। उसके बाद रिंकू सिंह का तूफान आया और उन्होंने टीम को 180 रन के पास पहुंचा दिया। रिंकू सिंह ने अपनी ताबड़तोड़ पारी में 34 गेंद का सामना किया। 171 के स्ट्राइक रन रेट से नाबाद 58 रन बनाए, 4 चौके और 3 छक्के लगाए। शिवा सिंह भी 9 गेंद पर 18 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में नागालैंड के 6वें नंबर के बैटर जगन्नाथ श्रीनिवासन ने नाबाद 31 रन की पारी खेली और टीम को 100 रन तक पहुंचाया। टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 107 रन ही बना सकी। प्रसाद वीर को 3 विकेट मिला। ऑफ स्पिनर नीतीश राणा ने 2 विकेट छटके। 26 साल के रिंकू सिंह का टी20 का ओवरऑल रिकॉर्ड बेहद शानदार है। वे अब तक 85 पारियों में 32 की औसत से 1923 रन बना चुके हैं। 11 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। 79 रन बेस्ट है। उनका स्ट्राइक रेट 142 का है जो टी20 के लिहाज से काफ़ी शानदार है। वो 90 छक्के भी लगा चुके हैं, यानी वो 100 छक्के से सिर्फ 10 कदम दूर हैं। वे मौजूदा टूर्नामेंट में इस आंकड़े को छू सकते हैं। वैसे रिंकू सिंह के परफॉर्मेंस को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें और बने रहें JT न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। खबर पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।